हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम बना रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। पिछले वीडियो के अंदर हमने एडवर्टाइजमेंट पेज को डिज़ाइन किया था। इस वीडियो में हम यहाँ से बैकएंड से एड पब्लिश करेंगे जो हमारे होम पेज पे दिखने लग जाएगा। तो हम अपने एडिटर में आएंगे और एडिटर के अंदर आके हमने एडमिन का कंट्रोलर के अंदर पब्लिश एड का फंक्शन बना रखा है कि जब भी सबमिट पर क्लिक होगा तो पब्लिश एड्स पे चला जाएगा। तो हम अपने कंट्रोलर के अंदर आएंगे, एडमिन कंट्रोलर, और एडमिन कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बनाएंगे नया, पेस्ट कर देंगे इस फंक्शन को। और इसके बाद हमारा जो ये एडमिन का सेशन है उसको चेक करते हैं, एल्स, ठीक है, पब्लिश एड्स। अब इसमें से हमारे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एक तो हमें चाहिए इमेज, एक इमेज का ऑल टेक्स्ट और एक हमारा इमेज का लिंक चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं डॉलर दिस इंपोर्ट पोस्ट, यहाँ पे देख लेते क्या नाम है, इमेज ऑल टेक्स्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी IMG इमेज ऑल टेक्स्ट, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या बनाना है, इमेज लिंक, ठीक है। कॉपी करते हैं इसे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इमेज लिंक के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, इमेज लिंक, ठीक है। और एक और वेरिएबल आएगा हमारे पास, वो आएगा इमेज का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी लोड करनी पड़ेगी, डॉलर दिस लोड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कौन सी होगी, अपलोड की लाइब्रेरी होगी, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देंगे अपलोड पाथ, अपलोड पाथ कौन सा होगा, अपलोड पाथ होगा एक अपलोड का फोल्डर होगा, उसके अंदर एड्स के नाम से फोल्डर होगा, ठीक है। अपलोड का फोल्डर होगा, उसके अंदर इमेज ऐड कर देते हैं इसको, इमेज एड्स, ठीक है, इस नाम से फोल्डर होगा। और अगला हम देते हैं अलाउड टाइप्स, कौन कौन सी इमेज को सपोर्ट करेगा ये, JPG, JPEG, PNG और GIF, ठीक है। और इस कॉन्फिग के वेरिएबल को इसमें पास कर देते हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या वेरिएबल है, एड इमेज के नाम से वेरिएबल है, अपलोड करते हैं इमेज को, डॉलर दिस अपलोड, डू अपलोड वेरिएबल का नाम ये वाला एड इमेज, ठीक है। और इसके बाद डॉलर दिस अपलोड के अंदर जो हमारे पास डाटा का फंक्शन है उसके अंदर से हमें सिर्फ फाइल का नेम चाहिए, ठीक है। और इसको लिख देते हैं हम IMG इक्वल, ये फाइल का नेम आ गया, ठीक है। तीसरा वेरिएबल हमारे पास IMG नाम से हो गया। तो तीन वेरिएबल का डाटा आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, मॉडल पे सेंड करना है इसे, डॉलर दिस एडमिन मॉडल, और इसके अंदर पब्लिश एड्स पे चला जाएगा, कौन कौन से वेरिएबल को लेके जाएगा, इमेज, इमेज ऑल टेक्स्ट और इमेज लिंक, ठीक है। तीन वेरिएबल को यहाँ से मॉडल के फंक्शन को लेके चला जाएगा, ठीक है। रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं पहले एडमिन मॉडल के अंदर, ये एडमिन मॉडल है, इसके अंदर एडमिन मॉडल .php, और इसके अंदर क्या करना है, पब्लिक फंक्शन, फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर हमें करना है क्या नाम है हमारे फंक्शन का, पब्लिश एड्स, ठीक है, ये हमारे ऐड आ गए। अब इसके बाद क्या करना है, एक तो हमारे पास इमेज आ रही है, इमेज ऑल टेक्स्ट आ रहा है और इमेज की लिंक आ रही है, ठीक है, डॉलर दिस DB इंसर्ट
कहाँ इंसर्ट होगा, टेबल का नाम देते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं, डेटाबेस ओपन करेंगे हमारा, ये हमारा डेटाबेस ओपन हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो डेटाबेस किस नाम से है, यहाँ पे ये रहा माय ऑनलाइन शॉप, इसके नाम से बैनर के नाम से कुछ बना हुआ है नहीं बना हुआ, तो हम एक टेबल बनाएंगे बैनर्स, ठीक है। और इसमें कितने कॉलम होंगे, एक बैनर आईडी होगी, एक बैनर की इमेज होगी, बैनर का ऑल टेक्स्ट होगा और बैनर का लिंक होगा, ठीक है। और इसको चार कॉलम हो गए, एंटर कर देंगे। सबसे पहले बैनर आईडी, बैनर की जो हमारी इमेज होगी वो, बैनर ऑल टेक्स्ट, बैनर का लिंक, ठीक है। आईडी इंटीजर, बैनर की इमेज वॉरकेयर, ऑल टेक्स्ट वॉरकेयर रहेगा और इमेज का लिंक टेक्स्ट टाइप का होगा, कि कितना भी लेंथ हो सकती है इसकी। आईडी 10 दे देते हैं, 255, इसको भी 255 देते हैं और इसका लिंक को 500 कर देते हैं, ठीक है। और इसको एआई पे क्लिक कर देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी है वो, एंड सेव, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। बैनर के नाम से टेबल बनाई है हमने, तो डाटा किस में जाना चाहिए, बैनर की टेबल है, इसके अंदर बैनर इमेज के अंदर, बैनर इमेज के अंदर जाएगी इमेज और बैनर ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट के अंदर जाएगा IMG ऑल टेक्स्ट और बैनर लिंक, बैनर लिंक के अंदर जाएगी IMG लिंक, ठीक है। और इसको लिख देते हैं हम इंसर्ट बैनर, ठीक है, वेरिएबल बना दिया। चेक कर लेते हैं एक बार इसको, इंसर्ट बैनर अगर क्वेरी चल जाती है तो रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे कंट्रोलर के पास, यहाँ चेक करते हैं एफ, अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है कंट्रोल मॉडल से तो यह एक क्लास मैसेज सेट कर देगा, सेशन सेट क्लास डाटा, ठीक है। नाम देते हैं इसको मैसेज, इसमें देते हैं योर बैनर एड्स पब्लिश सक्सेसफुली, ठीक है। कहाँ जाएगा ये रिटर्न, रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे, इसी पेज पे मैसेज शो हो जाएगा। तो ये पेज कौन सा है, एडमिन के अंदर एडवर्टाइजमेंट वाला, ठीक है। कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाएगा, एल्स में क्या होगा, इको हो जाएगी हमारे पास एरर, एरर क्या आएगी, पब्लिश बैनर एड्स, ठीक है, ये एरर आ जाएगी। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले तो हमें दो काम करने हैं, एक तो हमें एडवर्टाइजमेंट के अंदर फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट, क्योंकि इमेज अपलोड हो रही है मल्टी पार्ट, ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम हमें क्या करना है कि हम ये सारे फोल्डर बंद कर लेते हैं और हमें एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर कहाँ बनेगा, शॉप के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं अपलोड्स के नाम से, ठीक है। और इस अपलोड के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनेगा, क्या नाम था इस फोल्डर का, बैनर एड्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या नाम था, इमेज एड्स के नाम से, ठीक है। तो रीनेम कर लेते हैं इसको दोबारा, इमेज एड्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को एक बार रन करके देखते हैं, इसको रन किया। अब इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ एक इमेज, जिसमें मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट की है, टुल पिस,
क्लिप्स के नाम से इमेज है, ऑल टेक्स्ट है, ऑल टेक्स्ट देता हूँ मैं इसको येलो फ्लावर इमेज, ठीक है। लिंक दे देते हैं जैसे कि इसको इमेज, ठीक है। इसमें जैसे कि यहाँ वाला एक लिंक ओपन कर लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। जैसे ये वाली एक ओपन कर लिया हमने, जो इसका यूआरएल ये है, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यूआरएल हो गया। अब हम इसको एक बार पब्लिश ऐड करते हैं, क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी पेज पे आ गया, डाटाबेस में देखते हैं, लिंक आ गया, इमेज का ऑल टेक्स्ट आ गया, इमेज आ गई, आईडी आ गई। अब जो फोल्डर बनाया है वहाँ पर भी देख लेते हैं, में एक इमेज आ गई इस नाम से, ठीक है। फंक्शन सही चल रहा है लेकिन हमारे पास फ्लैश मैसेज नहीं आया। फ्लैश मैसेज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लैश मैसेज वो पब शो नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं फ्लैश मैसेज बना हुआ है कि कहीं पे नहीं बना हुआ। तो हम फ्लैश मैसेज हम कहाँ बनाएंगे, सबसे ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे इससे भी ऊपर एक फ्लैश मैसेज बना लेते हैं, ठीक है। मेन्यू बार से नीचे मैसेज सेक्शन, और इसमें हम लिखते हैं डी आई वी, आई डी देते हैं मैसेज, और इस डी आई वी के अंदर एक एच सिक्स बना लेते हैं जिसमें हम आपको मैसेज दिख जाएगा। स्पैम क्लास फा फा चेक, ठीक है। मैसेज हमने दिखा दिया अभी, तो योर मैसेज हियर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आईडी दे देते हैं, वो आईडी क्या क्लास देनी पड़ेगी इसको, कंटेनर, ठीक है। ये यहाँ से शुरू होगा। अब इसको थोड़ा डिजाइनिंग कर लेते हैं, इसका मैसेज बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसको ग्रीन कलर का, ग्रीन का यहाँ पे देख लेते हैं ग्रीन कलर, यहाँ से ग्रीन कलर ले लेते हैं हम कोई सा भी, तब तक ये चलता है। उसके बाद इसको देते हैं, सबसे पहले तो पैडिंग देनी पड़ेगी, पैडिंग हम इसको देंगे 10 पिक्सल। वो नेट नहीं चल रहा मेरा शायद, ऐसा लगता है। की जगह हम ये वाला कलर ले लेते हैं, जहाँ पे पीएचपी में एडमिन के अंदर जो कलर आ रहा है उसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला कोड कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर होगा इसका ये वाला, ठीक है। और पैडिंग 10 पिक्सल रहेगी, तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल, और इसको मार्जिन लेते हैं सबसे पहले, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी ये सही करते हैं, थोड़ी मार्जिन टॉप करते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट करेंगे 15 पिक्सल, ठीक है। और 15 तो ज़्यादा हो गया हमारा, 10 ही कर देते हैं इसको, ठीक है। योर मैसेज है, ठीक है। इस पर एक NBSP स्पेस और लगा देते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, हमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ी सी, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल, ये हमारी बॉर्डर रेडियस आ गई। और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि दिखने लग जाए, 1 पिक्सल सॉलिड सिल्वर, ठीक है। ये बॉर्डर भी दिख रही है आउटलाइन में। अब हमें क्या करना है, कंडीशन के अंदर डाल देते हैं अब इसको, कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर
डॉलर दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा, ये वाला अगर वहाँ से कोई रीड करता है, जैसे ही वो फंक्शन चलेगा तो सेट हो जाएगा मैसेज। अगर ये सेट हो जाता है मैसेज तो हमारे पे ये वाला सेक्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं एंड इफ, और इसके अंदर वो वाला मैसेज आएगा जो हमने वहाँ पे सेट किया है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि जो मैसेज का फ्लैश डाटा है उसमें हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, और इसको हम कर देंगे डायरेक्ट इको कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल आर करते हैं, मैसेज चला गया। अब मैं दूसरी इमेज पब्लिश करता हूँ, डेजर्ट वाली बैकग्राउंड इमेज लिख देता हूँ मैं, और ये वाला कॉपी कर लेते हैं एक बार कॉपी, और इसी को पेस्ट कर देते हैं डायरेक्ट पब्लिश ऐड, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमारा ऐड नहीं आया। दोबारा करते हैं एक बार, ठीक है, चेक करते हैं, दोबारा करते हैं एक बार फिर से फ्लैश डाटा मैसेज। एक और ऐड करते हैं हम, जैसे कि ये इसका लिख देते हैं इसके अंदर, और जो इसका लिंक है ये वाला दे देते हैं कॉपी लिंक पेस्ट, पब्लिश करते हैं। अभी भी नहीं आ रहा, क्या हो गया, ऐड क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओहो, सेट फ्लैश डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, अब आ जाएगा ऐड। क्योंकि सेट हम एक बार कर चुके हैं, अब तो हमें इस पर दिखाना है डाटा, तो दोबारा करना पड़ेगा वापस से। इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, और यही पेस्ट कर देते हैं दोबारा। पब्लिश ऐड पर क्लिक करेंगे, ये आ गया योर बैनर ऐड पब्लिश सक्सेसफुली, ठीक है। ओवरव्यू पे आ जाते हैं, जो हमने अभी ऐड पब्लिश किया है वो हमारे को यहाँ पे दिखना चाहिए, शॉप इस जगह पे, ये हमारी होम पेज है वेबसाइट का, तो यहाँ पे वो वाले ऐड आने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये बाकी कुछ ऐड है, इन्हीं ऐड को हम डाटाबेस से लेके आएंगे अभी, तो ये स्टैटिक है तो डाटाबेस से आने चाहिए। तो सबसे पहला जो ऐड आएगा वो आएगा ये वाला डील ऑफ द डे वाला ऐड, कि जो टुडे डील या ऑफर डील कुछ भी बोल सकते हैं, तो टुडे डील के नाम से हम एक ऐड बनाएंगे, तो ये वहाँ का प्रोडक्ट हो जाएंगे, उसके ऐड हो जाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास मोबाइल है, तो यहाँ पे मोबाइल वाले ऐड आएंगे। हेडफोन है तो हेडफोन वाले ऐड आएंगे। मेमोरी कार्ड है, लैपटॉप है, और रीसेंट व्यू है, ठीक है। तो कैटेगरी सेट कर देते हैं हम यहाँ पे, एक और ऐड कर देते हैं ऑल टेक्स्ट से पहले, कॉपी करते हैं इस S6 को और पेस्ट कर देते हैं, इसे लिखते हैं एड कैटेगरी, ठीक है। और इसमें हम एक सेलेक्ट बॉक्स बना देते हैं, नेम एड कैटेगरी, आईडी एड कैटेगरी, ठीक है। और इसमें ऑप्शन लगा देते हैं, एक तो हमारा सेलेक्टेड रहेगा, इसकी वैल्यू एम्प्टी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर एट्रीब्यूट होगा, इसमें लिख देते हैं सेलेक्ट एड्स कैटेगरी, और इसके अंदर ऑप्शन दे देते हैं
जैसे कि एक तो हमारे पास रहेगा 2-day deals, ठीक है। दूसरा हमारा जो रहेगा वो मोबाइल है, हेडफोन है, मेमोरी कार्ड है और लैपटॉप है, ठीक है। ये चार तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स हो रहे हैं होम पेज पे। तो इसको लिख देते हैं मोबाइल्स, हेडफोन, मेमोरी कार्ड्स और इसको लिख देते हैं लैपटॉप्स, ठीक है। ये चार तरह के हमारे पास ऐड हैं, वैल्यू, टुडे, डील्स, इसकी वैल्यू मोबाइल्स, इसकी वैल्यू हेडफोन और इसकी वैल्यू कार्ड्स और इसकी वैल्यू होगी लैपटॉप्स, ठीक है। ये हमारे को एक और ऐड करना है, तो सबसे पहले तो हम इसको डेटाबेस में ऐड करेंगे। स्ट्रक्चर किसके बाद आना चाहिए? आईडी के बाद, ठीक है, बैनर आईडी के बाद आना चाहिए। कैटेगरी, ठीक है, ये ऐड हो गया हमारा एक और ऐड कैटेगरी। अब इसको यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं एडमिन के अंदर। एक और वेरिएबल बनेगा हमारा डॉलर दिस इनपुट कॉस्ट, किस नाम से रहेगा ये? ऐड कैटेगरी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, इमेज के बाद पास कर देते हैं इसको ऐड कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ मॉडल में भी वहाँ पे है हमारा बैनर इमेज से पहले इसको ऐड कर देते हैं, क्या नाम दिया है हमने डेटाबेस में, ऐड कैटेगरी, और इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी वो ऐड कैटेगरी की जाएगी, ठीक है। और ये हमारे को यहाँ पे मिल रहा है इमेज के बाद, इमेज के बाद इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तीनों पे काम कर दिया हमने, अब इसको पेज को रीलोड कर लेते हैं, वापस से ओपन करते हैं, यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मटेरियल में डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट बॉक्स होता है वो डिस्प्ले उसकी नॉन रहती है, तो एक काम करते हैं जो हमने सेलेक्ट बॉक्स बनाया है डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, कंट्रोल आर, ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स आ गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर देते हैं, बॉर्डर सॉलिड सिल्वर और आउटलाइन नॉन, इसकी जो विड्थ रहेगी विड्थ हमारो कितनी रखनी है इसकी, 40% कर देते हैं, 40% ज़्यादा हो गई, तो 40 की जगह 35, 25 तो बहुत हो गई कम, 25 की जगह 30 करके देखते हैं, 30 32, और एक और कर देते हैं 33 पे ही शायद सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेलेक्ट बॉक्स, लेकिन ये सेलेक्ट बॉक्स थोड़ा नीचे आना चाहिए, किसके नीचे रखना है हमें, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, यहाँ से यहाँ डाल देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा हेडिंग है, ये हमारी ये फॉर्म की हेडिंग है, ठीक है। तो मैं लैपटॉप के लिए ऐड लगाता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं एक ऐड डाउनलोड कर लेता हूँ लैपटॉप के लिए, लैपटॉप बैनर इमेज,
एक इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं ऑनलाइन, तो उसी को ही हम वहाँ पे लगाएंगे। और ये जो सभी सब सारा भी कुछ हमने यहाँ लिया है, सेलेक्ट ऑल और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पूरा हट गया यहाँ से। नेट तो बहुत ही धीरे चल रहा है, जब तक नेट चलता है तब तक एक हम पब्लिश कर लेते हैं लैपटॉप के लिए। और डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऐड रखे होंगे कुछ जगह पे ऐड, ई कॉमर्स के कुछ ऐड है हमारे पास, उसके अंदर देखते हैं। इसमें नहीं है, फिर यहाँ होंगे, इसमें होंगे हमारी, ये एक ये वाला ऐड लगा देते हैं, ई कॉमर्स बैनर। इसको ऑल टेक्स्ट दे देता हूँ, ई कॉमर्स एड्स। ठीक है, और जो इसका लिंक रहेगा, लिंक हम कौन सा दें, जैसे कि ये वाली इमेज हम ओपन कर लेते हैं नए पेज पे। और जो इसका लिंक है ये लिंक है, इसे कॉपी करते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और पब्लिश करते हैं, योर बैनर एड पब्लिश। ब्राउज पे आएंगे, कैटेगरी लैपटॉप के लिए है, इमेज ये है, ऑल टेक्स्ट ये है, और ये हमारा लिंक है। ठीक है, अब जो ये ऐड आ रहे हैं वो हमारे इस होम पेज पे शो भी होने चाहिए, यहाँ पे। ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे हम इमेज को शो करवाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने पब्लिश करने का पे वर्क कर लिया, 27 मिनट हो गए ऑलरेडी। तो जो हमारा यहाँ पे शो होगा कि हर कैटेगरी के ऐड अलग अलग शो होंगे, ठीक है, वो काम हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में हमने इतना ही काम किया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग और SEO पे काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।